फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी बज चुकी है सुबह की 6:30। पूरे रूम में ऐसे बिखेरा रख के सो गई थी, पर मैंने कहा 6:30 बजे तो अभी उठना तो है ही, पर अभी तो बज गई 6:40। उठी, ब्रश किया और मैंने गर्म पानी पिया है अभी तो, और मैं जा रही हूँ अभी बाहर वॉकिंग के लिए। और आज तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, तो बाहर हेलिदी और याची भाभी दोनों वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से चलती हूँ बाहर और आज का सेशन करते हैं कम्प्लीट। अभी बज रही है 7:45। मैं मेरा वर्कआउट और वॉक वगैरह सब कंप्लीट करके आ गई हूँ। अब ये जो रूम में मैस पड़ा हुआ है, मेरे पास आधा घंटा है, तो ये सारा मैस है वो अवेयर देती हूँ और फिर अब से थोड़ा रूटीन है वो फास्ट हो जाएगा। रूम किया है एकदम चकाचक और एक दो ड्राईक्लिंग की साड़ी निकाली है। ड्राईक्लिंग की साड़ी मैंने उदयपुर दे रखी थी, मैं भूल ही गई हूँ दे रखी हुई हूँ। अभी जैसे कल पैकिंग कर रही थी और दो बैग तो बिल्कुल खाली करके रख दिए हैं। अब शादी की जो भी शॉपिंग होगी उसमें एक एक चला जाएगा और मेरा अभी तक नहाना वगैरह सब बाकी है। आज मैंने सोचा था जल्दी फ्री हो जाऊंगी, पर सफाई चल रही है इसलिए लेट हो गई। और ये मैंने खट्टे मूंग बनाए हैं आज, तो चिक्कू और मैं दोनों ही हैं, तो अभी चिक्कू को भी बुला देती हूँ। चावल बन गए एक तरफ और बस अब रोटी बना के फ्री हो जाती हूँ और कपड़े एक तरफ धुलने के लिए चालू कर देती हूँ। खाना खा लिया मैंने और नहा के हो गई रेडी, और साथ ही साथ कपड़े धोने भूल गई थी, तो अभी ज़्यादा ज़्यादा याद आया तो फटाफट से ये कपड़े धुल रहे और बाहर ही रख दूँगी ड्राई करके। तो भाई जी आएंगे कुछ काम से तो वो सुखा के चले जाएंगे, और सारे विंटर्स के कपड़े इस बॉक्स में भर दिए हैं। अब ये बॉक्स ऊपर चला जाएगा वहाँ पर। अभी तो घर में साफ सफाई चल ही रही है, आप देख ही सकते हो सब जगह डाइनिंग तो बेचारा पूरा भरा पड़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, होता है। होली है, होली कैसे सेलिब्रेट करेंगे अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। कपड़े भी धुल चुके हैं, बस ये इधर साइड वाला एक बार पानी से निकाला, अदर तो ड्राई हो गए, तो फटाफट से कर देती हूँ एक पीस को भी ड्राई और फिर शॉप पर। अभी याद आया कल ही सफाई की है, तो ब्लैंकेट भी धो देती हूँ क्योंकि पूरी मिट्टी तो ब्लैंकेट पर उड़ी है, तो ब्लैंकेट भी भिगा देती हूँ, भिगा के रखती हूँ, फिर रात को आके धो दूँगी। काम याद आ सकते हैं, पतली ब्लैंकेट ही ऐसे ऐसी धुल जाती है। फटाक से एक और कर देती हूँ। सूट जो नया सिलवाना था वो तो मैंने ले लिया, पर मैंने कहा क्या भूल रही हूँ क्या भूल रही हूँ, तो घड़ी पहनना ही भूल गई हूँ। वापिस से पूरा खोलना। काका ज्योति खाना खाने गई है हाँ, और मैंने आज तो बना दी है चोटी। ज्योति पीछे से बना मेरी चोटी, ज्योति ने बनाई है मेरी आज सागर चोटी। कैसी लग रही है, तू खुद देख रही है? नहीं देख रही, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं भी पूरी अलग ही दिख रही होंगी। और अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था एक किसी के लिए कपड़े दे गए तो वो लेके आ जाते हैं, तो लेट्स गो। चलो चलो चलो, ज्योति मैडम को हमारे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। ज्योति जल्दी करो, मम्मी ने बोला था शॉपिंग करके तो आ गई हूँ, दो तीन कुर्ते मेरे लिए भी लेके आई हूँ, पर जो मेरे को सही लगेगा और मेरे पे सही लगेगा वो रखूंगी, बाकी रिटर्न कर दूंगी। बाकी मम्मी ने जो बोला था वो तो लेके आई, बेबी पिंक कलर मस्त है। अभी वो जो सूट थे वो सारे ट्राई किए, मेरी फिटिंग का कोई नहीं था इसलिए मैंने सारे रिटर्न कर दिए, बाकी जो मम्मी ने बोला था वो तो मैंने रहने दिया है। और मैं अभी जाऊंगी आगे वाली शॉप पे, आज हमको किसी काम से क्या मंदिर जाना है कल्याणपुर के आगे कहीं, तो वही प्लान कर रहे हैं अगर सेट होता है तो। आज तो हिम्मी और हम सब जने जाने वाले हैं, तो मम्मी के वहीं पर लंच डिनर वगैरह सब है, तो सब प्लान उस हिसाब से ही कर रहे हैं। और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है तो अंदर ही चार्ज पे रख के फिर मैं बाहर जा रही हूँ। अभी ज्योति अभी तक आई नहीं, कपड़े ऐसे कैसे ही रह गए बाहर, भाई जी तो आई नहीं है, सुखाई भी नहीं है, और अभी मुझे निकलना है कल्याणपुर, तो अब देखती हूँ इधर रिटर्न वापस आके सुखा दूँगी। पर अभी जल्दी मैं और सब जने आज कहीं ना कहीं गए थे, हम दोनों ही नहीं गए थे, तो हमारा भी एकदम सडनली प्लान हो गया और हम भी जा रहे हैं, तो रूम में भी एज इट इज मैच छोड़ के ही जा रहे हैं, मम्मी के पास जा रहे हैं। तो मैं पहन लेती हूँ साड़ी, आज अच्छा है मेरे को साड़ी पहनने की।
ये सूट पहन के जाऊंगी, मम्मी डांटे कि उस दिन बहुत सारा कलर छूट गया था इसलिए चेंज करना कर दिया कैंसिल, क्योंकि जल्दी ही निकलना था तो फोन ही ले लिया है, बस सब निकल रहे हैं सीधे। बैतू है? बैतू। ओके शाले अभी कह रही थी ना नानी गर्ल। हिमी हंसी कैसी आ रही है अभी? चोटी बनाई है देखो पूरे, अब तो आगे बाल कटे हुए हैं तो अच्छी लगती है पूरी चोटी। कम नहीं उधर देख रही है ये ठीक है। हिमी 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 नो नो जे जे कर दो बस। हाँ जे जे अभी तुम्हारी सूरी जे जे करी रही है अभी दीवो लगी रही है तो जे जे थाई क्यों? अच्छा मेरा खुद का दुपट्टा आ रहा है, मैं तुमको क्या आ रहा है एक मिनट। अशु मंदिर जाके हम घर पे आ गए हैं और ये यश तो आज भी खेलने गया था, आज भी इसके खेलना ब्रेक नहीं सकते हैं। वीकेंड ब्रेक यार, कोई वीकेंड ब्रेक नहीं, इधर रोज वीकेंड है, वो खेलता है वीकेंड का लास्ट डे। लेट्स गो पधारो पधारो बोलो अब बस सांस सीधे करके बोल। हां अब एक सांस में बोल दे जो भी बोलना। हाय गाइस बोलो। अरे मुझे तो नहीं बोलना, मैं तो ज्यादा मुझे तो बाकी हो जाए। चलो मत खाना हो गया है, ओ भाई हालत ही भी कम थी गई। खाना हो गया है अब हम निकल रहे घर के लिए, यूक्रेन की न्यूज़ चल रही है। हिमी बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट बाय बाय ओ भाई अभी जूती भी नहीं, अभी तो बाय 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 क्यों भी आधे रस्ते नानी नानी इन पर दादा दादा घर पर आ गए। और मेरी आंखों में आपको नींद लगी रही होगी क्योंकि मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी, तो अब एक बार तो सो गई थी फिर एकदम से चिकू ने उठाया, अभी उठ गई हूँ और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।